Kira, what are you having? Good morning, friends. Welcome back to my channel. अभी सुबह के 7:30 बज गए. जैसे मैंने बोला था, यू नो, मैं यूजुअली इस टाइम पे उठ जाती हूँ. मैं अपने लिए एक कप चाय बना लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ. आज का ऐसा कुछ प्लान नहीं है, घर पे ही रहने वाली हूँ. हाँ गाइस, मैं जॉब करती हूँ और वीकेंड्स में मोस्टली फ्री रहती हूँ. और हो, अगर कुछ अर्जेंट काम होता है तो मैं, यू नो, लीव ले लेती हूँ. तो मोस्टली मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ. तो और ये जो जॉब मैं कर रही हूँ, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ. हाँ, मैं फुल टाइम काम करती हूँ. तो जब भी मैं फ्री रहूँगी, अगर कुछ कैप्चर करती हूँ तो मैं वो आज के दिन कैप्चर करूँगी और फ्रेश होके मिलती हूँ. मुझे रिसेंटली, यू नो, डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है. तो मैं मेरे चाय में शुगर नहीं लेती हूँ. आई जस्ट टेक विदाउट शुगर या फिर मैं शुगर फ्री लेती हूँ. सो आई जस्ट ऐड सम ऑफ देम. सो आई जस्ट ऐड सम मोर. इसको बॉईल होने देते हैं, फिर दूध ऐड करेंगे. पहले ना मैं जो लोकल मिल्क होता है ना, मतलब जो मिल्क मैन आके देके जाता है तबेले का, मतलब बफेलो मिल्क, वो मैं नॉर्मली लेती थी. लेकिन जब से मुझे डायबिटीज़ और यू नो हाइपरटेंशन हुआ है, तो मैं मुझे काफ़ी जल्दी हो गया. एक्चुअली हेरिडिटरी है मेरे, यू नो, पेरेंटल फैमिली में है, मेरे मॉम के साइड में. तो शायद इसलिए मुझे भी हो गया. आप सच्ची में बिलीव नहीं करोगे, मैं स्वीट्स यू नो खाती हूँ, लेकिन ऐसा क्रेजी नहीं हूँ स्वीट्स के लिए. तो फिर तब मैंने फिर डिसाइड किया कि लाइक यू नो कि मैं होमोजाइज्ड मिल्क, यू नो, जो ज़्यादा फैट फ्री होता है, वो मैं लूँगी. और मैंने तब से मतलब मैंने एक दो मिल्क ट्राई किया, लेकिन मुझे यू नो अमूल गोल्ड का टेस्ट काफ़ी पसंद है. तो मैं ये यूज़ करती हूँ अपनी चाय में, या फिर अगर मुझे पीना हो तो. ये पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं यूज़ करती हूँ, मैंने आपको बता दिया. तो चाय बॉईल हो जाने देते हैं, फिर चाय लेते हैं. और मेरे पास आज काफ़ी टाइम है, आज मैं छुट्टी पे हूँ, तो देखते हैं आज क्या करते हैं. तो मैं एक्चुअली ये ना पानी मेरा बॉईल करके पीती हूँ, और इसको मैंने बॉईल कर लिया है. जब चाहिए उतना बॉईल करती हूँ, ऐसे बॉईल करके रखती नहीं हूँ, छोटे से टोप में पहले बॉईल कर लेती हूँ. फिर ठंडा होने के बाद इसको थोड़ा फ्रिज में, या फिर थोड़ा सादा, एक्चुअली मैं सादा पानी पीती हूँ मोस्टली, मतलब ठंडियों में. और ऐसे नहीं तो मैं ठंडा पानी पीती हूँ. चाय भी रेडी हो गया है, चाय लेते हैं और बात करते हैं. चाय लेके आ गई मैं. और पहले, सबसे पहले तो मुझे एक कप चाय चाहिए. जैसे मैं उठती हूँ, चाय नहीं पीऊँगी तो मुझसे कुछ काम नहीं होता है. तो मैं चाय पी के आपसे मिलती हूँ. हाँ, मैं ये बोल रही थी, मैंने एक रिकॉर्ड किया DJI Pocket 2 में, और
अभी लगता है मुझे थोड़ा उसको टाइम लगेगा यू नो चेक करने में, वो रिकॉर्डिंग दिख नहीं रहा है तो मैं भी वो भी चेक कर लेती हूँ। काफ़ी मतलब यू नो अभी स्टार्ट के लिए तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने बोला था यू नो कि मुझे एक पोर्टेबल कैमरा चाहिए था, या तो मैं अपना फ़ोन अपग्रेड करने वाली थी यू नो ब्लॉगिंग के लिए भी, क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है इसमें यू नो, और आपको पता होगा पता है या नहीं एडिटिंग और यू नो वीडियोज़ बनाने में काफ़ी स्पेस लग जाता है। तो मेरा फ़ोन सिर्फ 125 GB का है, तो काफ़ी कम स्टोरेज था। तो मैं ये सोच रही थी ज़्यादा स्पेस वाला फ़ोन ले लेती हूँ। फिर मैंने जाके चेक किया तो अभी रिसेंट ऐसा कोई लॉन्च नहीं हुआ है आईफोन के अलावा, और मुझे आईफोन नहीं लेना है। बजट का मतलब बजट का भी ये नहीं है, बट जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं यू नो आई एम नॉट एन आईफोन लवर और एन आईफोन फैन। मुझे एंड्रॉयड ही पसंद है, बहुत कंफर्टेबल होता है यू नो, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इजी टू वो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं। आगे का मुझे पता नहीं जैसे मैंने बोला था। तो फिर मैंने ये सोचा कि फ़ोन भी उसी बजट में आ जाता है आजकल यू नो। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मुझे ये कितने में मिला। ऑनलाइन भी मुझे मिल रहा था, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था, हार्डली सिर्फ 500 का डिफरेंस था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लाइक यू नो ऑनलाइन मंगाने से अच्छा है कि मैं यू नो कोई डिस्ट्रीब्यूटर से ही ले लेती हूँ। और मैं काफ़ी टाइम से बैग जोन जो राशिद भाई का है उसको फॉलो कर रही थी, तो सोचा कि यू नो अगर ले रहे हैं कहीं से तो कोई ऐसी जगह से ले जा से इनकेस अगर कुछ इशू होता है, या फिर यू नो कुछ जैसे मैं यू नो आई एम अ न्यू ब्लॉगर एंड ऑनेस्टली मुझे कैमरा यू नो कौन से इसमें शूट करते हैं ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है। और मुझे कोई ये भी नहीं है बोलने के लिए कि मुझे नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि लाइक यू नो जब मैं अगर अपना फर्स्ट ये ले रही हूँ, एक सिप ले लेती हूँ, चाय का ठंडा हो जाएगा। अच्छा बना है। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने सोचा कि अगर मैं ये फ़ोन ले रही हूँ सॉरी कैमरा ले रही हूँ तो ऐसी जगह से लूँ जो मुझे थोड़ा सा बता भी दे कि लाइक यू नो मैंने उनको बताया था कि मैं जस्ट न्यू हूँ और मैं ब्लॉगिंग और फोटोज़ वगैरह के लिए भी देख रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे मैंने उनको GoPro के बारे में भी पूछा था, जो अभी नया GoPro 12 लॉन्च हुआ है, तो उन्होंने मुझे दोनों सजेस्ट किया। फिर मैंने थोड़े बहुत रिव्यूज़ और वीडियोज़ देखे DJI Pocket 2 के। हम लोग यू नो लोकली भी ट्रैवल करते हैं, मुझे घूमना बहुत पसंद है, इसीलिए यू नो मैं YouTube पर आई हूँ। मेरे व्लॉग्स काफ़ी पहले आ जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल देखोगे, मैंने 2012 में ये चैनल बनाया था, तभी YouTube काफ़ी मतलब बोलते हैं ना हार्डली कोई देखता होगा या कुछ ऐसे, और तभी मैंने YouTube बनाया था। लेकिन मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। मैं एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंस लड़की हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे वो टाइम पे सोशल मीडिया के बारे में सोच के ऐसा था कि पता नहीं ये सेफ होता होगा या नहीं और यू नो ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर मैंने मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, वो मेरा एक्चुअली पैशन था सीखना, तो मैंने वो भी सीखा है। हेयर स्टाइलिस्ट का भी मैंने सीखा है, तो मैंने सोचा था फिर वो वीडियोस बना के मैं डालूंगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आज के लाइक यू नो मैं जॉब भी करती हूँ, यू नो एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए, तो मैं जॉब भी करती हूँ तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। और मेकअप के लिए यू नो काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ता है, और वो सीज़न वाइज उसमें यू नो सोर्स ऑफ इनकम अपना होता है, मोस्टली लाइक ईयर एंड में हो गया या मई अप्रैल में हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि लाइक यू नो नहीं मैं फुल टाइम जॉब ही करती हूँ और जब मिल जाएगा तब कर लेंगे। फिर जब अभी काफ़ी सारी यूट्यूबर्स को देखती हूँ यू नो लाइक, और फिर जब मैं अपना चैनल देखती हूँ कि मैंने 2012 में चालू किया था और मैंने हार्डली उसमें 2 वीडियोस डाले थे मेरे मेकअप के लिए, फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट यू नो डेली व्लॉगिंग, और मैं जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ वेकेशंस पे तो वाई नॉट यू नो शेयर, और नॉट ओनली यू नो प्रोफेशनली यूट्यूब पे आना,
खुद के मेमोरीज को कहीं पे कैप्चर कर सकते ताकि हमारे फैमिलीज इसको देख पाए आगे चल के, और हमें कभी देखना हो जैसे मोबाइल फोन्स में हमें कभी कभी डिलीट कर देना पड़ता है स्पेस की वजह से, तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग हमारे मेमोरीज को सेव कर सकते हैं। और फिर मैंने सिर्फ सडनली, एक्चुअली हम लोग जस्ट गोवा जाकर आए थे मेरे बर्थडे के दिन, सितंबर 15th को मेरा बर्थडे था, तब तक भी मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं यूट्यूब पे आने वाली हूँ। तो मैंने एक मिनट, तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस लिए थे, फोटोज़ लिए थे जो मैंने इंस्टा पे डाले हैं। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड चेक माई वीडियोज़ एंड रील्स एंड फोटोग्राफ्स। फिर मैंने ऐसे ही एक दिन डिसाइड किया, मैंने सूरज को बताया कि मैं मुझे मेरा चैनल तो है, मुझे सिर्फ स्टार्ट करना है ऐसे। और उसने मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। अपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि वो इतना कंफर्टेबल नहीं है, हो जाएगा गाइस, हर कोई कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं होता है। मुझे पहले से अपना खुद का वीडियो बनाना या फिर किसी और का वीडियो बनाना या फिर मैं जब ट्रैवल कर रही हूँ तो उसका मेमोरी कैप्चर करना मुझे पहले से पसंद था। इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी कंफर्टेबल हो गई कैमरा के सामने। सूरज को थोड़ा टाइम लगेगा, मैं उसको प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस कराऊंगी, मैं उसके ऊपर मेरा जो पैशन है या मुझे जो करना है मैं उसके ऊपर फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। तो जब भी वो कंफर्टेबल होगा, जैसे आपने कल के वीडियो में देखा था कि हम लोग कैमरा लेने गए और हम लोग थोड़ा सा टाउन साइड हम लोग घूम रहे थे, तो वो जैसे उसको कंफर्टेबल लगता है वो आता है कैमरा के सामने। और हाँ, वो फुल फ्लेजेडली भी आएगा और यू नेवर नो, वो शायद खुद का भी चैनल बना ले बाद में। तो हाँ गाइस, और हम दोनों जॉब करते हैं और उसको तो फुल टाइम क्या बोलते हैं, दिन भर उसको इतना टाइम नहीं होता है, वो काफ़ी बिजी होता है फोन्स पे। तो काफ़ी सारे व्लॉग्स आएंगे हमारे, मेरे फैमिली रिलेटेड भी व्लॉग्स बनाऊंगी, मेरे फैमिली में कौन कौन है और हम कैसे मिले और कैसे हमारी जर्नी थी, हम सब व्लॉग धीरे धीरे बनाएंगे। आपका सिर्फ मुझे सपोर्ट चाहिए गाइस। तो ये वीडियो मैं जस्ट रॉ रख रही हूँ, मैंने अभी जस्ट मॉर्निंग में शूट किया है। तो अगर दिन भर में मैं कुछ शूट करती हूँ, ऐसे तो कोई प्लान नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़ा वायरल भी हुआ है और अभी आप बोल सकते हैं कि मैं 40% ठीक हूँ। और मैं ऐसा शो नहीं करती हूँ ज़्यादा, कल के भी वीडियोस में आपने देखा होगा मैं ऐसा शो नहीं करती हूँ, हाँ मैं बीमार हूँ ऐसे वैसे, मुझे शो नहीं करना है, बिकॉज इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग मी, आई वॉन्ट यू टू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड एन्जॉय वट एवर आई एम डूइंग। तो मैंने सोचा कि मैं आज भी छुट्टी ले लेती हूँ। और मैं जैसे मैंने बताया, मुझे वो डॉक्टर ने बहुत डरा दिया, ऐसे मैं हेल्थ को लेकर थोड़ा सा डरती हूँ और थोड़ा सा ऐसा मैं क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे नाजुक टाइप भी हूँ कि मैं थोड़ा सा ऐसा हो जाती हूँ पैनिक कभी कभी हेल्थ को लेकर। और गाइस, अगर मैंने कोई रिकॉर्डिंग किया तो मैं वो डाल दूँगी इसमें, नहीं तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो और मैंने जस्ट मॉर्निंग में उठ के मैंने क्या किया, मैंने जस्ट अपने लिए चाय बनाया और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो ये मैं ऐसी रॉ फुटेज डालूँगी और अगर आपको ये गपशप मेरे साथ मॉर्निंग गपशप मेरे साथ अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ डू गो अहेड एंड लाइक द वीडियो, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। और मैं देख रही हूँ काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं, आई नो सब्सक्राइबर्स मेरे काफ़ी कम है अभी, एंड आई एम श्योर धीरे धीरे मुझे मेरी ऑडियंस मिल जाएगी जो मुझे पसंद करेगी। और गाइस, जो भी ये ब्लॉग मेरा देख रहे हैं, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लीव योर कॉमेंट्स। अभी कोई किसी ने ना कॉमेंट्स नहीं डाला है, मैंने
काफ़ी 3-4 वीडियोस डाले हैं और शॉर्ट्स डाले, मैं देख रही हूँ कि कोई कमेंट्स नहीं करना है। गाइज आई एम कम्प्लीटली फाइन, आप यू नो कुछ भी कमेंट्स डाल सकते हो। हाँ एकदम ऐसा यू नो कमेंट्स मत डालिए जो बोलते ना डजन फिट द रूल ऑफ YT कम्युनिटी। तो आप बाकी सब कमेंट्स डाल सकते हो और आई विल रीड योर कमेंट्स, आई विल एक्नॉलेज देम एंड see you soon until my next video and cheers guys. बस इधर ही दवा देगी इधर। Came for some work to RA Colony and there is a very famous sweet shop over here. तो हम लोग बासुंदी खाने आए हैं यहाँ पर। क्या खाएगी? बासुंदी। कौन सा फ्लेवर? सीताफल। सीताफल फ्लेवर, सो लेट्स ट्राई इफ वी गेट सीताफल बासुंदी ओवर हियर। ओके सो कौन से सीताफल है? हाँ शाम तक रहेगा फ्रिज में। एक चॉकलेट and सीताफल, you will have सीताफल। I'll have सीताफल, this is सीताफल, तीन सीताफल। This is the place in RA. They have ghee also. बस ना? And they have basundi. You can go like this, Uda. Seven, eight basundis.